और अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो इस टाइम पर आने का बिल्कुल मत सोचिए। हाय गाइस, तो आज है 13 अप्रैल जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और आज इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। तो पहले हम आप सबको विश कर देना चाहते हैं, तो सारे लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभ नवरात्रि और विसाखी की लख लख बधाइयां। तो यहाँ पे रमज़ान शुरू हो गए हैं और आज पहला दिन है रमज़ान का और हमारा रोज़ा है या फास्टिंग। तो अगर हमारी एनर्जी थोड़ी लो लग रही हो तो हम पहले से ही एडवांस में बता रहे हैं। कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा कि एनर्जी बहुत लो थी। यस, तो कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोग पूछते हैं कि वो लोग रमज़ान के टाइम पर दुबई आने का प्लान कर रहे हैं, दुबई ट्रिप अपना प्लान कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस और एक्टिविटीज़ ओपन रहेंगी या यहाँ पे रमज़ान में आने का फ़ायदा नहीं है, और उसके अलावा वो कौन सा मंथ है या कौन सा सीज़न है जब दुबई आना चाहिए। राइट, तो आज के वीडियो में हम यही सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि विच इज़ द चीपेस्ट एंड बेस्ट मंथ टू ट्रैवल टू दुबई और किस टाइम पर आपको दुबई बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा टाइम है बेस्ट दुबई आने का। तो दुबई ट्रैवल के लिए कोई भी सही या गलत वक्त नहीं है, बिकॉज दुबई में 12 महीने टूरिज्म चलता है और हर सीज़न में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रैवलर्स यहाँ आते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है और आप अपने ट्रिप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट नो मैटर वॉट, आप किसी भी सीजन में दुबई में आए, आप हमेशा अपना ट्रिप एंजॉय करेंगे क्योंकि यहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ है, आउटडोर है, इनडोर है, बहुत कुछ। तो आप किसी भी सीजन में आए, आप अपना ट्रिप एंजॉय करेंगे। तो दुबई का टूरिज्म सीजन पे वरी करता है, इसलिए हम इस वीडियो को सीज़न वाइज कैटेगराइज किया है, और इस वीडियो में हम बताएंगे कि हर सीज़न के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। और अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम इसमें बताएंगे कि आपके लिए कौन सा है बेस्ट सीज़न दुबई ट्रैवल करने का। तो शुरू करते हैं पहले सीज़न से, हाई सीज़न। तो दुबई का हाई सीज़न होता है नवंबर से मार्च, जब यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और उस टाइम पर वेदर बहुत ही प्लेजेंट होता है, अराउंड 20 to 24 degrees, और उस टाइम पर सारे टूरिस्ट प्लेसेस ओपन होते हैं लाइक ग्लोबल विलेज एंड मिरेकल गार्डन, जो कि समर्स में बंद होते हैं, और इस टाइम पर आप सारी आउटडोर एक्टिविटीज इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप इस टाइम पर दुबई घूमने आते हैं और आपकी किस्मत अच्छी है तो आप ज़रूर किसी न किसी सेलिब्रिटी से टकरा जाएंगे, क्योंकि इसी टाइम पर सारे सेलिब्रिटीज़ दुबई में घूमना पसंद करते हैं। और लास्ट ईयर दुबई गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया था वर्ल्ड्स कूलेस्ट विंटर की टैगलाइन से, क्योंकि जिस टाइम पर दुनिया के बाकी देशों में काफ़ी ठंड पड़ रही होती है, कड़ाके की बर्फबारी पड़ रही होती है, तो दुबई में टेम्परेचर बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मॉडरेट होता है, और इसीलिए यहाँ पे काफ़ी लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं। पर इस टाइम पर दुबई ट्रैवल करना आपके पॉकेट पर काफ़ी भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस टाइम पर हाई सीजन होने की वजह से फ्लाइट्स के, होटल्स के, टूर्स के, हर चीज़ के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। बट इफ बजट इज़ नॉट एन इशू फॉर यू, तो ये टाइम, ये सीजन बेस्ट होता है वेदर वाइज दुबई आने का। तो अब बात करते हैं ब्लैकआउट डेट्स की, जो कि पड़ता है दिसंबर से जनवरी मंथ में, और इसी टाइम पर होती है दुबई का टूरिज्म और यहाँ के प्राइसेस अपने पीक पर, क्योंकि इस टाइम पर पड़ते हैं बहुत सारे फेस्टिवल, जैसे कि यूएई का नेशनल डे, क्रिसमस, न्यू ईयर और दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, जो कि शॉपिंग लवर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, और इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप शॉपिंग के पर्पज से दुबई आना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है दुबई आने का, क्योंकि पूरी सिटी यहाँ पर सजी हुई होती है, पूरी जगमग जगमग, और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे फेस्टिव वाइब्स आएंगे, पूरा दुबई डेकोरेटेड होता है। और अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो इस टाइम पर आने का बिल्कुल मत सोचिए। तो अब बात करते हैं लो सीजन की, जो कि होता है मई से सितंबर मंथ तक, और यही वो सीज़न है जिसमें यहाँ पे पड़ती है बहुत ज़्यादा गर्मी और लोग हो जाते हैं पागल, इसलिए यहाँ पे रहने वाले लोग अपने घरों में रहना या फिर मॉल में घूमना ही पसंद करते हैं। पर यही वो मौका है जब आप अपना दुबई का ट्रिप प्लान कर सकते हैं और बहुत ही सस्ते में सबसे ज़्यादा घूम सकते हैं दुबई, बिकॉज इस टाइम पर लो सीज़न की वजह से हर चीज़ के प्राइसेस बहुत ही कम होते हैं, फिर वो चाहे होटल हो, फ्लाइट्स या टूर्स, तो आप बहुत ही कम पैसों में, सस्ते में अपना दुबई का ट्रिप कर सकते हैं अगर आप लो सीज़न चूज़ करते हैं अपने ट्रिप के लिए। पर इस बात का ध्यान रखें कि इस टाइम पर यानी कि समर सीज़न में, लो सीज़न में यहाँ पर कुछ चीज़ें बंद होती हैं आउटडोर प्लेसेस, जैसे कि ग्लोबल विलेज और मिरेकल गार्डन,
तो इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर इंडोर हैं और एयर कंडीशन है, यहाँ तक कि थीम पार्क भी, तो बाकी आप सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। तो समर सीजन के जो हॉटेस्ट मंथ्स होते हैं वो होते हैं जुलाई अगस्त, जब यहाँ पर टेम्परेचर अपनी पीक पर होता है और स्कूल की भी हॉलीडेज होती है, तो यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर एक्सपैट्स अपनी अपनी कंट्रीज चले जाते हैं, और यहाँ तक कि यहाँ पर रहने वाले लोकल जो अरबी लोग होते हैं वो भी यूरोप या कोई दूसरे फॉरेन कंट्रीज में घूमने के लिए चले जाते हैं, और दुबई इस टाइम पर ज़्यादातर जगह दुबई में काफ़ी खाली होती है। लेकिन बजट ट्रैवलर्स इन्हीं मंथ्स को टारगेट करते हैं क्योंकि इन्हीं मंथ्स में दुबई में सब कुछ अपने लोवेस्ट प्राइस पे अवेलेबल होता है बिकॉज ऑफ लो डिमांड। वैसे तो दुबई में सारे इंडोर प्लेसेस एयर कंडीशन है, लेकिन आप आउटडोर प्लेसेस इन मंथ्स में एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये मंथ्स अवॉइड करें। काफ़ी लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि रमज़ान के महीने में उनको दुबई आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस बंद रहती हैं। तो उन सभी लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि रमज़ान का महीना बहुत ही अच्छा टाइम है दुबई का ट्रिप प्लान करने का, बिकॉज इस टाइम पर पूरी सिटी सजी हुई होती है और मॉल्स में बहुत ज़्यादा सेल लगी होती है, तो शॉपिंग करने के लिए भी बेस्ट टाइम है, और यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर लोग फास्टिंग कर रहे होते हैं और ऑफिस में भी हाफ डे होता है, तो वो लोग दिन भर अपने घर पे रहते हैं और शाम को इफ्तार के बाद सब लोग बाहर निकलते हैं और मॉल्स में घूमते हैं, तो बहुत ही रौनक होती है। तो बहुत ही अच्छा टाइम होता है रमज़ान में ट्रैवल करने का, पर इस बात का ध्यान रखें कि रमज़ान में एंटरटेनमेंट शोज नहीं होते, जैसे कि अगर आप डेजर्ट सफारी के लिए जाएंगे तो वहाँ पर बेली डांस या और जो बाकी एंटरटेनमेंट शोज होते हैं वो नहीं होंगे डेजर्ट सफारी डाउ क्रूज जैसी जगहों पर। जैसे कि पिछले कुछ सालों से रमज़ान समर्स में पड़ रहा है जो कि एक लो सीज़न होता है, इसलिए यहाँ पे सारे प्राइसेस बहुत ही लो होते हैं, तो आप अगर चाहें तो अपना ट्रिप रमज़ान में प्लान कर सकते हैं, और ये ट्रिप तभी एप्लीकेबल है जब रमज़ान समर्स में हो जैसे कि पिछले कुछ सालों से हो रहा था, और अगर विंटर्स में रमज़ान पड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस हाई हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं शोल्डर सीजन की। शोल्डर सीजन क्या होता है? तो हाई सीजन से लो सीजन के बीच और लो सीजन से हाई सीजन के बीच जो मंथ्स होते हैं वो होते हैं शोल्डर सीजन, और किसी भी कंट्री को घूमने का ये बेस्ट टाइम होता है क्योंकि यही वो टाइम है जब होता है वेदर मॉडरेट, टूरिस्ट होते हैं कम और प्राइसेस होते हैं लो, तो अगर आपको कहीं भी घूमना हो तो हमेशा शोल्डर मंथ्स ही चूज करें। और दुबई का शोल्डर सीजन होता है अप्रैल और अक्टूबर मंथ में, और यही वो टाइम है जब आप बजट ट्रैवलर्स को अपना ट्रैवल प्लान करना चाहिए। तो हमारे ओपिनियन में यही बेस्ट टाइम है दुबई ट्रैवल करने के लिए बजट ट्रैवलर्स के लिए। लेकिन अगर बजट आपका कंसर्न नहीं है तो आप हाई सीजन में से कोई भी मंथ चूज कर सकते हैं अपना दुबई ट्रैवल प्लान करने का, क्योंकि हमारे ओपिनियन से वही बेस्ट सीजन होता है दुबई घूमने के लिए। ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो में हमने सारे पॉइंट्स कवर करे हैं, आपके जितने भी सवाल थे हमने उन सारे सवालों के जवाब दिए हैं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी देने की कोशिश करी है दुबई के सीजन के बारे में, एंड वी होप कि अब आप अपना दुबई का ट्रिप आराम से प्लान कर सकते हैं, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो के देखने के बाद में कुछ नई जानकारी मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें राइट नाउ। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय।